अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये जो खातून हैं, इनकी जो उम्र है वो इस वक्त है 41 बरस, 41 ईयर्स, 41 साल इनकी उम्र है। और ये एक बेवा खातून हैं, शोहर का इंतकाल हो गया है। इनका नाम है सफिया बीबी। तो सफिया बीबी जो है, 41 साल उम्र है, शोहर का इंतकाल हो गया है, बेवा हैं, एक बेटी और एक बेटा, दो बच्चे हैं, दोनों इन्हीं के साथ रहते हैं। शोहर को जो है इस दुनिया से गए तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है, और ये पिछले 3 साल से जो हैं अपने जो हैं बहन भाइयों के साथ रहती हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर पे रहती हैं लाहौर सिटी में। मुसलमान है, फिरका सुन्नी है, ज़ात बरादरी जो है ये भट्टी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, पढ़ी लिखी फैमिली है। सफ़िया जो है, इनकी तालीम जो है ये 12 जमात पास हैं, यानी कि FA तालीम है इनकी। खूबसूरत है, इनकी जो हाइट है वो 4 फुट 11 इंच है, अच्छे अखलाक की मालिक हैं, अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो शोहर के इंतकाल के बाद से लेकर अभी तक जो है अपने बहन भाइयों के साथ रहती हैं। वालदा का इंतकाल हो गया है, वालिद साहब जो हैं वो अभी जो है हयात हैं। इसके अलावा 4 बहन भाई हैं, तमाम शादीशुदा हैं। तो अभी जो है इनके जो वालिद साहब हैं, मोहम्मद असगर साहब, वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें, ताकि वो अपने घर की हो जाए और हंसी खुशी अपनी दोबारा से ज़िंदगी गुजार सके। तो इसी सिलसिले में जो है इनको किसी ऐसे रिश्ते की जो है तलाश है कि लड़का जो है उसकी उम्र 50 साल तक भी हो तो इनसे रब्ता कर सकता है, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, जात बरादरी कोई भी हो। सफिया जो है FA तालीम है, खूबसूरत हैं। बच्चे जो हैं इनके, मैं आपको बता चुका हूँ, 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी के बाद जो हैं इनके जो बच्चे हैं वो अपने जो हैं नाना के घर पे रहेंगे, यानी कि अपने इनके वालिद साहब के पास रहेंगे। तो इसलिए जो हमारे दोस्त भाई मर्द हजरात रब्ता करना चाहते हों और इस बात को जो है वो मद्देनज़र रख लें कि बच्चों की जो है बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि बच्चे जो हैं शादी के बाद इनके जो हैं वालिद साहब के पास रहेंगे, यानी कि अपने नाना के पास रहेंगे। तो वो हमारे दोस्त जो रब्ता करना चाहते हैं इनसे, जो है शादी के अबाउट जो है मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें और हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। शुक्रिया।